वेलकम एवरीवन, एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 71 में आज हम बात करेंगे डिलीट कमांड के बारे में। तो इससे पहले हमने इंसर्ट कमांड, जो डीएमएल कमांड में हमने लेक्चर 68 में डीएमएल कमांड के बारे में पढ़ा, लेक्चर 69 में डीएमएल के टाइप्स यानी इंसर्ट कमांड को, लेक्चर 70 में अपडेट कमांड को, नाउ अब हम बात करेंगे डिलीट कमांड के बारे में। तो डिलीट कमांड को हम यूज़ क्यों करते हैं? तो डिलीट कमांड को यूज किया जाता है जब भी कोई रिकॉर्ड आपको टेबल से डिलीट करनी हो, तब हम डिलीट कमांड को यूज करते हैं। ठीक है, जब भी कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, ठीक है, या यूं कहें एक एंटायर रो को डिलीट करना हो, तब हम डिलीट कमांड को यूज करते हैं। या यूं कहें जब भी हमें एक टेबल से सारे डेटा को डिलीट करना हो, तब हम डिलीट कमांड को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स कैसा है? तो पहले हम डिलीट कीवर्ड को लिखते हैं, ठीक है, फिर फ्रॉम जो क्लाउज है उसको लिखते हैं, जिस टेबल में आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, उसको लिखेंगे, और फिर ये फिल्टर कंडीशन। अगर आप देखिए सिर्फ इतना कमांड लिखते हो, सिर्फ ये एक लाइन में जो कमांड है उसको बस लिखते हो, तो क्या होगा, ये जो टेबल में जो भी एक टेबल में जो भी डेटा होंगे वो सारे के सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे, वो सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी डेटा रहेगा नहीं, टेबल की स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो डेटा होगा टेबल का वो डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको उस टेबल से कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना हो, तब हम जाके फिर फिल्टर कंडीशंस को यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, वेयर क्लाउज। तो चलिए, थ्योरी में तो आपको ये समझ में आया होगा, अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करेंगे गाइस, हम देखिए सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास जो अभी तक हमने प्रैक्टिकल किया है वो स्टूडेंट टेबल के ऊपर किया है, तो हम पहले स्टूडेंट टेबल को लाते हैं। स्टूडेंट टेबल में जाने से पहले मैं एक, अभी हम डिलीट कमांड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जब डेटा डिलीट हो जाएगा ना, तो आप सोचोगे कि जब एक टेबल से डेटा को हम डिलीट करेंगे तो क्या वो जो डिलीटेड डेटा है, लाइक जैसे ट्रंकेट कमांड जैसा, तो क्या उसे हम दोबारा वापस ला सकते हैं, जैसे ट्रंकेट में करते थे, क्या उसे दोबारा हम ला सकते हैं? तो जी हाँ, हम उसे ला सकते हैं। तो वो आगे आने वाले लेक्चर्स का जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज पढ़ेंगे वो उसका टॉपिक्स है, बट मैं अभी जस्ट इसके बाद हम ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल वहाँ से लूँगा, अभी मैं इसको समझाऊँगा नहीं, सेव पॉइंट और रोल बैक। ठीक है, सेव पॉइंट और रोल बैक मैं थोड़ा सा बस हिंट दूंगा, बाकी आपको पूरा लेक्चर के लिए आप जाके सेव पॉइंट और रोल बैक वाले लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, तो डिलीट कमांड में जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक सेव पॉइंट बनाता हूँ। ठीक है, एक सेव पॉइंट को बनाता हूँ। तो सेव पॉइंट क्या करता है ना, ये डेटा को सेव करता है टेबल में। ठीक है, ये जो सेव पॉइंट है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ये जो सेव पॉइंट है वो डेटा को सेव करता है, बट टेबल में नहीं, बट डेटाबेस में नहीं करता है। ठीक है, देखिए जब भी डेटाबेस में अगर डेटा सेव होगा टेबल में, ठीक है, तो वो परमानेंटली सेव होगा, लेकिन ये जो सेव पॉइंट क्या करता है ना, वो डेटा को सेव तो करता है बट टेबल में, बट कहाँ पे, रनिंग टाइम में, नॉट एग्जीक्यूशन के बाद, डेटाबेस में सेव नहीं करता, वो रनिंग टाइम में ही उसको रखे रहता है। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूशन मोड में उसको रखता है टेबल को, ना कि वो कंप्लीटली उस रिकॉर्ड को डेटाबेस में सेव करता है। ये आपको और इजी वे में क्लियर होगा जब आप सेव पॉइंट वाली लेक्चर को देखोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ सेव पॉइंट क्रिएट करता हूँ, तो जब भी हम सेव पॉइंट को क्रिएट करते हैं तो सेव पॉइंट का एक नाम देते हैं, तो मैं इसे लेट्स सपोज एक नाम देता हूँ ए। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसे ए नाम डबल ए दे देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एंड विद सेमी कॉलम। अब हम इसे एंटर करेंगे, देखिए क्या बोला, सेव पॉइंट क्रिएटेड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट टेबल को लाते हैं, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, लेट्स सपोज हम ड्रेविड के रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। ठीक है, पहले मैं पर्टिकुलर, बाद में पूरा टेबल का डेटा को मैं डिलीट करूंगा, मैं फिलहाल पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, मैं कैसे लिखूंगा, डिलीट, मुझे ड्रेविड के रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो मैं डिलीट लिखूंगा,
फ्रॉम कौन से टेबल से करना है, स्टूडेंट टेबल से, ठीक है, स्टूडेंट टेबल से। उसके बाद अब मुझे पर्टिकुलर रिकॉर्ड को करना है तो मुझे फिल्टर्स लगाने होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रिकॉर्ड है, 8 रिकॉर्ड है, और उसमें से मुझे मात्र सिर्फ ड्रेविड के रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो मैं लिखूँगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वेयर, देखिए अब नेम अगर लेस सपोज गए, यहाँ ड्रेविड मैंने एक ही लिया है, लेस सपोज ड्रेविड 2-3 होते तो नेम से तो हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मार्क्स से तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्लास से भी नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसके रोल नंबर से। तो हम लिखेंगे वेयर रोल, वेयर रोल इक्वल टू व्हाट, ड्रेविड का रोल नंबर क्या है 7, अब एंड विद सेमी कॉलम और एंटर। क्या लिखा, वन रो डिलीटेड, वन रो मतलब ये ड्रेविड का रो इस स्टूडेंट टेबल से डिलीट हो चुका है, फाइन। अब हम चलिए फिर इस स्टूडेंट टेबल को शो करते हैं, कंट्रोल सी या कंट्रोल वी और ये एंटर। देखिए अब यहाँ पे द्रविड का रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, अब वो जो डेटा डिलीट हुआ, ठीक है, अब वो जो डेटा डिलीट हुआ है, कौन सा डेटा डिलीट किया हमने, हमने डिलीट किया द्रविड का डेटा, ठीक है, द्रविड का डेटा। तो क्या हम उस डेटा को वापस टेबल में ला सकते हैं, जी हाँ ला सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रोल बैक कमांड, ठीक है। अब मैंने सेव पॉइंट को बता दिया, अब रोल बैक के बारे में थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ठीक है, रोल बैक, ठीक है, रोल बैक। अब ये रोल बैक क्या करती है, रोल बैक जहाँ से हमने सेव पॉइंट को क्रिएट किया है, ठीक है, वहाँ से पूरे प्रोसेस को रोल बैक करेगी और जो भी मॉडिफिकेशंस हुआ है, ठीक है, उसको चेंज करेगी, मतलब पहले वाले फॉर्म में ले जाएगी, न्यू फॉर्म में नहीं रखेगी, जो भी टेबल में जो भी डेटा पहले के फॉर्म में था सेव पॉइंट क्रिएट होने के बाद उसे उस फॉर्म में रखेगी, ठीक है। और आपको अगर रोल बैक के बारे में जानना है तो जाके आप ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज सीरीज में, ठीक है, आप रोल बैक कमांड के बारे में पढ़ें। तो देखिए मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं रोल बैक करता हूँ, ठीक है, रोल बैक, अब मुझे लिखना पड़ता है रोल बैक आपको कहाँ तक करना है, टू सेव पॉइंट का नाम क्या दिया था मैंने, ए और सेमी कॉलम, ठीक है, देखिए क्या लिखता है, रोल बैक कंप्लीटेड, ये सेव पॉइंट का नाम था, मैंने रोल बैक कहाँ तक किया, जहाँ से हमने सेव पॉइंट को क्रिएट किया था, मतलब इस पॉइंट में क्या हुआ था, जो भी टेबल को मतलब स्टूडेंट टेबल को जो हमने डिस्प्ले किया वो इसमें जाके सेव हो गया, उसके बाद जो हमने मॉडिफिकेशंस किए, जो मैंने एक रिकॉर्ड को डिलीट किया वो भी सेव हुआ, लेकिन जैसे ही फिर हमने रोल बैक को कमांड को यूज किया और मैंने पूछा कि ए ऐसे करना है, तो पहले वो रोल बैक हुआ, फिर वो पॉइंट के पास गया जहाँ से सेव पॉइंट क्रिएट था, फिर वहाँ से इस स्टूडेंट टेबल को इसके पहले वाले फॉर्म में ले गया। अब हम फिर इस स्टूडेंट टेबल को शो करते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। नाउ सी दिस, यहाँ पे द्रविड का रिकॉर्ड फिर से आ गया, अब इससे पहले में द्रविड का रिकॉर्ड नहीं था, ठीक है। अब अगर मुझे इस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे, मैं एक फिर से सेव पॉइंट को क्रिएट करता हूँ, ठीक है, सेव पॉइंट, सेव पॉइंट पीबी, ठीक है, ए हमने ए से भी बना सकते, लेकिन ए बना हुआ है, जब तक इस सॉफ्टवेयर को क्लोज नहीं करेंगे वो सेव पॉइंट बना रहेगा, ठीक है। अगर आपको नया सेव पॉइंट बनाना है तो आप जितना मर्जी उतना सेव पॉइंट बना सकते हो, तो मैंने बीबी के नाम से एक सेव पॉइंट बनाया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट किया तो लिखा सेव पॉइंट क्रिएटेड। अब अगर मैं चाहूं तो क्या यहां से टेबल को डिलीट कर सकता हूं, देखिए डिलीट फ्रॉम कौन सा टेबल है, स्टूडेंट, क्या लिखा, 8 रो डिलीटेड हो गया, ठीक है, 8 रो डिलीटेड। अब मैं क्या करता हूं, रोल बैक करता हूं बीबी से, देखिए क्या होता है, रोल बैक टू व्हाट, रोल बैक टू बीबी, सेव पॉइंट का नाम है, लिखा रोल बैक कंप्लीटेड। अब मैं फिर से स्टूडेंट टेबल को देखता हूँ तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीयू, देखिए फिर से सारे रिकॉर्ड आ गए। तो इस तरीके से आप डिलीट कमांड की मदद से आप एक टेबल के पर्टिकुलर रिकॉर्ड को तो डिलीट कर सकते हो, साथ में सारे रिकॉर्ड्स को भी डिलीट कर सकते हो। और इसमें एक पॉइंट गाइस कि जब भी आप डेटा को डिलीट करोगे, अब विद द हेल्प ऑफ रोल बैक कमांड और साथ में सेव पॉइंट कमांड को आपको तो यूज करना है, इन दोनों की मदद से, ठीक है, आप डिलीटेड डेटा को ला सकते हो। लेकिन अगर आपने
सेव पॉइंट को यूज नहीं किया, सेव पॉइंट कमांड को पहले यूज नहीं किया और डायरेक्ट आपने डिलीट कमांड को यूज कर दिया, तो जो भी डेटा टेबल से डिलीट हुआ है आप उसे दोबारा वापस नहीं ला सकते, क्योंकि जब भी आप रोल बैक करते हो तो वो आपसे मांगता है कि सेव पॉइंट का नाम क्या है, जहां से आपने ऑपरेशंस करना स्टार्ट किया, तो आपको वो सेव पॉइंट का नाम तो देना पड़ेगा। तो अगर आपको ये लगता है कि जो भी मैं अभी डिलीशन का काम करने वाला हूँ किसी टेबल पे, मे बी वो कभी रॉन्ग हो सकता है, तो बेटर होगा आप एक सेव पॉइंट को क्रिएट करो, ठीक है। और जब आपने डेटा को डिलीट किया, अब ले सपोज आपको वो प्रीवियस डेटा चाहिए, तो अब जस्ट रोल बैक कीवर्ड को यूज करो, रोल बैक कमांड को, साथ में आप सेव पॉइंट का नाम दे दो, जो भी डेटा डिलीट हुआ है टेबल से वो वापस उसी टेबल में आ जाएगा। तो होप कि आपको ये डिलीट कमांड का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका ये फायदा हो जाए। लेक्चर में कोई डाउट रह गया तो नीचे आप कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ जाके पूछ सकते हो। लेक्चर से रिलेटेड कोई नोट्स के लिए आप मुझे नीचे इंस्टा आईडी आ रही है, आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर लो फर्स्ट, देन आफ्टर आप मुझे मैसेज कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि मैं रिप्लाई नोट्स के लिए वहीं से दूंगा, चैट बॉक्स में बताना बहुत ही पॉसिबल नहीं है, एंड ठीक है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट लेक्चर में तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय।